राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोल गावर बोल। नाम देसी काम देसी, भाई बोल भी देसी है। और इस टाइम आपने दोहरा भाई बलबीर वाल्मीकि जी जो MLA हल्का इसराना कांग्रेस में आ रहे हैं, ये भी आठ बरोधम है, क्या तो आ रहे हैं, क्या बात है, इसी पूछा गए के बात हो रही है यार, बरोदे में सारे आ रहे हैं, जो भी देख वो चाहो को फरीदाबाद का और चाहो जींद का और चाहो उछाणा का और सारे आड़े, इसी के बात हो रही है। इब यार पूछा है भाई बलबीर वाल्मीकि जी आते हैं, सारी बात पूछा गए। इब दो मिनट एक्स MP जो हैं, मौके के MP जो हैं, वो एक राजनीतिक आदमी है और चुनाव के लिए वो काम करते हैं। हरियाणा का चुनाव एक ही जगह है, उपचुनाव हल्का बरोदा में। जब चुनाव बरोदा हल्के में है तो नेताओं को MLA को तो आना ही बरोदे में है। अच्छा, सारे जाते बरोदा मारे हैं, सभी आ रहे हैं और सारी पार्टियां आ रही है। जी जुगर पछली गढ़ वाला काम तो नहीं हुआ, जुगर जींद वाला के लो रहा है क्या, जुगर क्या कर दे, जींद राजधानी बना दिया, नू कर दिया, नू कर दिया गए और धूल उठा दी सारी जींद में, सारे गोले फोड़ करे। अरे वो काम में बरोदे में तो नहीं हुआ भाई। आपकी बात सही है, परंतु आपने जांचना होगा कि ये बात भाजपा ने कही थी जींद के चुनाव में, भाजपा JJP ये अब सरकार है जी, JJP उन्हें कही थी वहाँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, परंतु ये विकास की रो जो जींद की बात कही थी भाजपा ने कही थी, मनोहर लाल खट्टर ने कही थी, हमारी पार्टी ने नहीं कही थी। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा जिस इलाके में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, जो भी कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, भाजपा सरकार जो कहती है नहीं करती है। मतलब ये विकास की पार्टी नहीं है, विनाश की पार्टी है। फिर ये नू नू, नू क्या लिखा है जी, सबका साथ सबका विकास, इस बात का, अरे इस बात का फर्क नहीं होता। आपने देखा ये कहते कुछ है करते कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ है खाने के कुछ है। आपने दीपेंद्र जी की बात सुनी, बहती गंगा में हाथ दो खीर खाओ नहाओ, अपनी बात सुनी। ये लोगों को केवल केवल भकाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने चुनाव के अंदर, आपको BJP की बात बताता हूँ, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था युवाओं जो बेरोजगार युवा है 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमा देंगे। क्या दिया इन्होंने, कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे और यहाँ उसके हर साल क्या दी और प्रदेश की अलग थी। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपये काला धन जो वापिस लाएंगे, हर घर को 15 लाख रुपये देंगे, क्या इन्होंने दिया। ये कहते कहते हैं करते कुछ नहीं है। एक बात है जो सर, ये सरकार घोषणा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस आई हो चाहे BJP है चाहे इन्हें लो, मैं घोषणा अस्थि मारना तो देखी नहीं पूरी हो यार। बाकी कांग्रेस ने किसा के काम कर दिया जी, जो लोगा की इसमें ज्यादा जिज्ञासा हो रही है, लोगा का नुअर है भाई, इसका तो कांग्रेस जितानी है। मैं बताता हूँ आपको, ये आपके मेरे कहने से बात नहीं बनती, जनता सब कुछ जानती है पहचानती है। कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, जीरी 6,000 तक बिकी। अब क्या हो रहा है, ये जो 3 बिल लेकर आए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2007 में कानून पास किया था कि MSP से कम जो भी खरीदेगा कानूनी प्रावधान होना चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए। ये क्या ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां हम खड़े हैं जिस क्षेत्र की बात हो रही है, आप देखिए खानपुर में यहाँ भी यूनिवर्सिटी बनाई, PGI कॉलेज बनाई और PGI रोहतक में भी एक नई संस्था चौधरी रणवीर सिंह नाम की OPD चालू करी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस चीज़ की कसर छोड़ी, आप पानीपत से देखिए, पानीपत से रोहतक आते हैं, बाईपास निकाला कितना अच्छा है, मेट्रो लाइन बिछवाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया क्या नहीं, और खट्टर साहब ने जो घोषणा की थी किया क्या, आप बताओ क्या किया, कुछ नहीं। एक और बात है जी, लास्ट है ना जी, इब्बा लास्ट नहीं है, लास्ट करो ना जी, ना दो तीन तो पूछा गया जी, सिर्फ 2 मिनट। तो एक और बात बताओ जी, ईशा के बात हो रही है जी, बरोदा उपचुनाव जो मेन मान रहे लोग नु सोचा यूज चुनाव जीतना ही जीतना है, इसी के बात हो रही है। बात ये है, किससे पता चलेगा, वर्तमान सरकार की साख क्या है, वर्तमान सरकार ने क्या लोगों के हित के काम किए हैं, इससे पता ये चलेगा। पुरानी जो सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, 14 तक की जो सरकार थी, 10 साल का जो कार्यकाल था, इसमें ये पैमाना लोग तय करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काबिल मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस की जीत, और नहीं तो जो खट्टर साहब ना ये विफल हो गए, फेल हो गए हैं, इसलिए लोग इसको हराना चाहते हैं, इसके काम से खुश नहीं है, भाजपा सरकार से हराएंगे। इवजुकर जी कपूर नरवाल ने पर्चा वापसी उठा लिया, इससे पार्टी ने कितना फायदा होगा जी, और जीता हुड्डा भी मना लिया है कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता था जीता। अच्छा, टिकट एक थी आदमी को मिलती है, सबको तो नहीं मिलती है।
कोई बात नहीं, उसका विश्वास था। तीन बार विधायक रहे हैं उनका, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपिंदर हुड्डा के साथ घरेलू संबंध हैं, वो पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। नरवाल जी हैं, डॉक्टर नरवाल जी की आप बात करें, डॉक्टर नरवाल जी कुमार थे, उन्होंने लगाया कि बात मैं जो ये काम कर रहा हूँ, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। लोगों की भावना समझी, लोगों के कि काम की भावना समझी, उन्होंने लोगों का आदर रखते हुए, लोगों की बात को मानते हुए कांग्रेस पार्टी में के पक्ष में अपना वोट फार्म उठा लिया और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कितने वोटा जीत जाएगा जी? कोई अंदाजा नहीं, 50,000 से ऊपर ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। एक आखिरी सवाल जी, बलराज कुंडू दो दिन पहले बीजेपी का एजेंट है था और इब कांग्रेस में उसने समर्थन दे दिया, इब बीजेपी का एजेंट कितने गया? उसने मान लिया। अच्छा। पहले जैसे कह रहे थे भाई बीजेपी कि आदमी की अंतरात्मा भी जागती है। अच्छा। उसने मान लिया। अच्छा। कि मैं कहीं ये गलत कर रहा हूँ और लोगों की इतनी बात नहीं है। अच्छा। इससे आम आदमी को नुकसान होगा। अच्छा। वो MLA है, हरियाणा विधानसभा का प्रतिनिधि है, उसने माना कि मैंने इंसाफ की बात करनी चाहिए, लोगों की हित की बात करनी चाहिए, जो लोगों की भावना समझनी चाहिए। उन्होंने लोगों की भावना समझी और सब कुछ समझ कर वो हमारे पक्ष में आ गए। मतलब थोड़े ही समझ गए लगता है, कुछ नहीं, जब आत्मा जाग जाए समझ। धन्यवाद जी। तो भाई ये बलबीर वाल्मीकि जी हमारे MLA इसराणा से कांग्रेस के, और अभी जो भी आपके अपडेट आएगी इसी चैनल पे आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।